डिकोडिंग सिनेमा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 2017 में आई जापानी फिल्म कोई तो उशो की। तो आइए जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी क्या है। यह फिल्म जापान के एक फ्यूचर सोसाइटी में होने वाली घटनाओं से शुरू होती है। दरअसल हुआ ये था कि जापान की सरकार ने द रेड थ्रेड्स ऑफ साइंस नाम की एक जटिल राष्ट्रव्यापी कानून व्यवस्था लागू किया है। इस कानून के अनुसार जब कोई व्यक्ति 16 वर्ष का हो जाएगा तो उसे सरकार द्वारा ही एक रोमांटिक पार्टनर दिया जाएगा। पार्टनर का चयन दोनों पक्षों के एक जैसे शौक, आदतों व परिवार आदि के बारे में गहन रिसर्च के बाद किया जाएगा। कानून का मुख्य उद्देश्य सफल विवाहों को प्रोत्साहित करना और तेजी से हो रहे कम बर्थ रेट की समस्या का सामना करना है, क्योंकि आने वाले दिन में कम पॉपुलेशन जापान के लिए खतरा बन सकता है। वर्षों से चल रही यह प्रणाली कारगर साबित हुई है, क्योंकि लगभग 100% केस सरकार के द्वारा कराए गए विवाह संतान पैदा करने में सफल होते हैं और तलाक होने की संभावना भी बेहद कम होती है। कानून का एकमात्र कमी यह है कि कभी कभी लोग 16 वर्ष की आयु से पहले ही प्यार में पड़ जाते हैं और वो नहीं चाहते कि सरकार उनके जीवन में हस्तक्षेप करे। ऐसे मामले में इस व्यवस्था की अवहेलना करने वालों को दंड का सामना करना पड़ता है और उनको नागरिकों के रूप में मिलने वाले विशेषाधिकार कम हो जाते हैं। इस फिल्म की नायिका आओई नाम की एक हंसमुख हाई स्कूल की लड़की है। वह एक दिन बाद 16 साल की होने वाली है और वह आखिरकार अपने जीवन के प्यार से मिलने को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है। उसके सभी दोस्त भी उसके लिए रोमांचित हैं, क्योंकि वो भी उसके 16 वर्ष की होने की बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। आज रात 12 बजे आओई को एक सरकारी अधिसूचना मिलेगी, जिसमें उसके लिए चुने गए के बारे में सभी बुनियादी जानकारी मिलेगी। वह अधिसूचना का इंतजार नहीं कर सकती है और पूरे दिन अपने पैरों पर खड़ी रहती है। उसके बाद घर लौटते समय आओई अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त यूतो से मिलती है। स्कूल की लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं, क्योंकि वह सबसे अच्छे दिखने वाले छात्रों में से एक है। हालांकि यूतो उनमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता है, क्योंकि वह आओई से प्यार करता है। उससे अक्सर अपनी फीलिंग्स को बताने की कोशिश की है, लेकिन वह हमेशा पीछे हट गया है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा शर्मीला है। वह उसका सबसे अच्छा दोस्त बनकर ही खुश है, लेकिन अब जब वह किसी और से प्यार करने वाली है तो यूतो चिंतित है कि उनकी दोस्ती टूट जाएगी। जैसा कि वो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं, यूतो ने चिढ़ाते हुए बताया कि वह उनका पहला चुंबन था। यह दृश्य फ्लैशबैक में चला जाता है जब दोनों प्राइमरी स्कूल में थे। एक एनुअल प्रोग्राम में यूतो को राजकुमार की भूमिका मिली होती है। हालांकि आओई एक वाइल्ड फ्लावर्स ले रही होती है, लेकिन उसकी इच्छा राजकुमारी बनने की इतनी ज़्यादा थी कि नाटक के लास्ट में उसने यूतो को खींच लिया और उसे चूम लिया। वे आज भी इस घटना पर हंसते हैं। इस दृश्य में आओई उसके माता पिता और उसके चाचा उसके घर पर उसी दिन जन्मदिन का भोजन कर रहे हैं। यहाँ तक कि आओई के माता पिता भी अधिसूचना के बारे में उत्साहित हैं, जो कि कुछ ही घंटों में जाहिर होने वाली है। आओई के माता पिता भी सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से मिले थे, लेकिन उनके चाचा ने अभी तक कोई शादी नहीं की थी। यह हमेशा से एक ऐसा विषय रहा है जिसके बारे में कोई भी बात करना पसंद नहीं करता है, इसलिए आओई इस पर बात नहीं करती है। इसके बाद आओई को एक पोशाक दी जाती है जिसे वह बिस्तर पर पहनती है। जैसे जैसे समय बीतता है वह और घबरा जाती है, लेकिन फिर यूतो उसे फ़ोन करता है। उसी समय वे बाहर मिलते हैं और वह उसे जन्मदिन के लिए एक उपहार देता है। यह एक पेंगुइन शोपीस है। यूतो को आओई के बारे में सब कुछ पता है, जैसे कि जब वह झूठ बोलती है तो वह अपने बालों को कैसे विशेष तरीके से छूती है। इसलिए उसे आसानी से पता चल जाता है कि जब वह अपने बालों को छूती है तो वह घबरा जाती है और वो बोलती है कि वह परेशान नहीं है। उसे शांत करने के लिए वे फिर से अभिनय करने का फैसला करते हैं। वह अपने चुने हुए व्यक्ति से अपना परिचय कैसे देगी? आओई अपने बारे में बात करना शुरू कर देता है, जिससे यूतो कई तरह की भावनाओं को महसूस करता है, क्योंकि वह उसे ऐसे देख रही है जैसे वह अपने प्रेमी को देखेगी। यूतो उसे बीच में रोक देता है और अपने प्यार को कबूल कर आओई को सरप्राइज कर देता है। वह उसे किस करने की भी कोशिश करता है, लेकिन आओई सदमे से पीछे हट जाती है। यूतो की कंडीशन एक गूंगे की तरह हो जाती है और वह माफ़ी मांगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। इससे पहले कि वे आगे बात कर पाते, वहाँ उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए सोकुके नाम का एक लड़का, जो एयू के पार्टनर चुनने के मैच का भाग होता है, आ जाता है। वह अपना परिचय देते हुए उसे फूलों का गुलदस्ता भेंट करता है। वह व्यक्ति उससे भी बेहतर है जिसकी उसने कल्पना की थी, और वह बेहद खूबसूरत है। उसकी उपस्थिति से मंत्रमुग्ध होकर आओई यूतो के बारे में बिल्कुल भूल जाती है। यूतो उन दोनों को बधाई देता है और तुरंत बाद वहाँ चला जाता है, और दोनों को अकेले में बात करने का समय मिल जाता है।
आओई उत्साह में और आकर्षक में अपने राजकुमार की ओर मुड़ती है, लेकिन वह वहां से जाने से पहले मिलने के लिए एक स्थान का नाम और समय देता है। बेचारी लड़की अपने आप से सवाल करती है कि क्या वह घर लौटने से पहले सपना तो नहीं देख रही। फिर वे अगले दिन उसी स्थान पर मिलते हैं जो कि एक फैंसी रेस्तरां की तरह होता है। आओई को पता होता है कि सोकुके के पिता एक बड़े अस्पताल के अध्यक्ष हैं और सोकुके भी किसी दिन बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा और वो उनका उत्तराधिकारी बन जाएगा। वह भी मेड स्कूल जाने की सोच रहा है। वह स्मार्ट और महत्वाकांक्षी है, लेकिन लंबी बातचीत करने में उसकी ज़्यादा इच्छा नहीं है। वह आओई को बाहर लेकर जाता है, लेकिन सोकुके के हाथ पकड़ने के कारण आओई शर्मा जाती है। सोकुके उससे फिर पूछता है कि यूते कौन है, लेकिन आओई के जवाब के पहले वो बात को काट देता है। वह परवाह नहीं करता कि आओई किस तरह की लड़की है और वह अपने रिश्ते को एक सामाजिक औपचारिकता के रूप में सोचता है। भले ही आओई के पास और भी लड़के हों जिसमें उनकी दिलचस्पी हो, लेकिन ये बात सोकुके को परेशान नहीं करती है। आओई यह समझाने की कोशिश करती है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सोकुके ने फिर से उसकी बात काट दी। स्कूल में अगले दिन एक अमीर और हार्ट कपल्स बनने के लिए उसकी दोस्त उससे ईर्ष्या करने लगती हैं। आओई अंदर से सहमत है, लेकिन वह नहीं जानती कि सोकुके के बारे में उसे कैसा महसूस करना चाहिए। अगले सप्ताह में वे कई डेट्स पर जाते हैं, लेकिन किसी भी डेट्स पर आओई को खुशी नहीं मिलती है। सोकुके पैदल बहुत तेजी से चलता है, ज़्यादा बात नहीं करता है और मुस्कुराता कभी नहीं है। एक पॉइंट पर आओई को लगता है कि कोई उसे डेट करने की धमकी दे रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी एक दिन वह वेशभूषा से धनी महिला के रूप में तैयार होती है जो उसकी स्थिति से मेल खाती हो। ड्रेसअप से आओई बदली बदली लगती है, लेकिन सोकुके इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता है। आओई फिर से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके सारे बातों का जवाब सीधे सीधे दे देता है। वह यह भी पूछती है कि क्या उसके अपने दोस्तों को उसके बारे में उसने बताया है, लेकिन सोकुके को लगता है कि यह सवाल ही अपमानजनक है क्योंकि वह ऐसा कभी नहीं करेगा। आओई एक असफल डेट्स के बाद रेस्तरां छोड़ देती है और वो उम्मीद खो देती है कि कभी भी उसके साथ मिलने जाएगी। फिर वह यूतो से मिलती है। यूतो उसे सलाह देता है कि सुकू के बारे में अधिक जानने के लिए उसे सुकुको के माता पिता से मिलना चाहिए ताकि बातचीत और ज़्यादा सार्थक हो सके। आओई मान जाती है और अगले दिन सोकुके के घर चली जाती है। सोकुके की माँ दयालु है, लेकिन उसके पिता सख्त हैं। वह आओई को अब खुद के व्यवहार में सुधार लाने के लिए कहता है कि वह उनके परिवार का हिस्सा बनने वाली है। सोकुके ये सारी बात सुन लेता है और गुस्से से लाल हो जाता है। उसने कभी अपने पिता को पसंद नहीं किया क्योंकि उनके अनुसार वह बूढ़ा सोचता है कि वह अपने बेटे का मालिक है। उसे एओई के साथ ऐसा करते देखकर सोकुके अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है। वह अपनी प्रेमिका के साथ खड़ा होता है और अपने पिता से उसे दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों साथ साथ बस स्टॉप तक चलते हैं और कई तरीके की बातें करते हैं। अब तक उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होने के लिए सोकुके माफ़ी मांगता है, लेकिन आओई दावा करती है कि वह शायद ही इसके बारे में कुछ जानती है। लेकिन जब से वह उसके पिता के सामने उसके लिए खड़ा हुआ, उसे विश्वास हो जाता है कि वह एक अच्छा इंसान है। आओई की बस आ जाती है, लेकिन सोकुके उसे खींचकर और चूमकर उसमें सवार नहीं होने देता है। दोनों किस करते रहते हैं और तब बस चली जाती है। अगले दिन आओई को लग रहा है कि वह चांद के ऊपर है। वह सलाह के लिए यूतो को धन्यवाद देती है, भले ही उसने उस काम को उस तरीके से नहीं किया जैसा उसने सोचा था। वे उसके रोमांटिक मिलन के बारे में बात करने से बचते हैं और हल्की फुल्की बात करते हैं। यूतो का जन्मदिन भी कुछ ही दिनों में आने वाला है, उसे भी अपने तय किए गए साथी से मिलने का मौका मिलेगा। हालांकि आओई के विपरीत वह बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है। जब सोकुके और आओई अपनी अगली डेट पर होते हैं तो उसे वह एक दुकान पर लाती है जहाँ वह यूतो के जन्मदिन के उपहार के रूप में एक स्कार्फ खरीदती है। उसके बाद वे एक्वेरियम जाते हैं, लेकिन सोकुके अच्छे मूड में नहीं लगता है। आओई को लगने लगता है कि वह ईर्ष्या कर रहा है और तब आओई उसे गले लगाती है क्योंकि उसे ईर्ष्या होने का मतलब है कि वह उसे पसंद करने लगा है। सोकुके पहली बार उसे देखकर मुस्कुराता है और दोनों एक किस करते हैं। इस दृश्य में आओई यूतो को स्कार्फ देती है और यूतो ये बताता है कि उसने अपने चुने हुए साथी से बात की थी, लेकिन वह देश के दूसरे हिस्से में रहती है इसलिए उन्होंने गर्मियों में मिलने का फैसला किया है। चूंकि यूतो के पास अपने जन्मदिन के लिए कोई योजना नहीं है, इसलिए आओई को लगता है कि अगर वह उसे अपने और सोकुके के साथ लाती है तो यह एक अच्छा आइडिया रहेगा। शुरू में यह डेट बहुत अजीब रहती है, लेकिन लोग बात करना शुरू करते हैं और जब यूतो को पता चलता है कि सोकुके ने अपना स्कार्फ चुना है तो एक घंटे बाद वो लोग अच्छे से घुल मिल जाते हैं।
लेकिन फिर एक समय के लिए दोनों अकोई के बिना अकेले पड़ जाते हैं। यूतो सोकुके से पूछता है कि क्या वह जानता है कि अकोई को कौन सी चीज़ पसंद और नापसंद है, उसके तौर तरीके जीवन में उसकी महत्वाकांक्षाएँ या ऐसी कोई भी चीज़ जो एक साथी को पता होनी चाहिए। सोकुके अपनी प्रेमिका पर कभी ज़्यादा ध्यान न देने का दोषी है, इसलिए उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता है। दूसरी ओर यूतो को उन चीज़ों के बारे में सब कुछ पता होता है जो आओई पसंद करती है, और ये चीज़ें बताती हैं कि इसके बिना कैसे सोकुके उसके लिए एक बेहतर साथी हो सकता है। वे अंततः एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और फिर यूतो वहाँ से चला जाता है। अगले कुछ दिनों तक सोकुके स्कूल नहीं जाता है। फिर एक रात आओई को पता चलता है कि सोकुके एक बेहतर विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए टोक्यो जा रहा है। वह अगले 6 साल वहीं बिताएगा, इसलिए दोनों को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना होगा। अलग रहने से बचने के लिए वह सुझाव देता है कि वे एक साथ चले जाएं। हालांकि यह तभी संभव होगा जब दोनों की शादी हो जाएगा। 16 साल के बच्चों में शादी करने और परिवार शुरू करने का रिवाज है, इसलिए आओई इस बात पर विचार करती है। आओई सलाह मशवरा के लिए अगले दिन अपने चाचा के पास जाती है। वह उनके चुने हुए साथी के बारे में बात करती है जो विदेश चली गई, पर वे अभी भी यहाँ थे। वह कभी नहीं लौटी और लंदन में उसने किसी से खुशी खुशी शादी कर ली। उनके अनुसार दंड के साथ जीना आसान है यदि आप उस व्यक्ति के साथ हैं जिसे आप वास्तव में प्यार करते हैं। हालांकि डरी सहमी हुई आओई अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार महसूस करती है। इस दृश्य में सोकुके और आओई टोक्यो के एक ओपन कैंपस में भाग ले रहे होते हैं। आओई व्याख्यान से बोर हो रही होती है, लेकिन सोकुके को इसका लेक्चर इसके बाद कई जगह देना होता है, इसलिए उसे लेक्चर सुनने में मजा आता है। लेक्चर के बाद वे कई जगहों पर जाते हैं, नया खाना खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। अंत में सोकुके उसे एक चर्च में ले जाता है और उसे छोटी सी डिब्बी देता है जो वह हमेशा से चाहती थी। इस घटना के बाद उसकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है जब उसे उस डिब्बे में सगाई की अंगूठी मिलती है। आओई हाँ कहती है और दोनों शादी की तैयारी करने लगते हैं। वह अपने सभी दोस्तों को प्रपोजल के बारे में बताती है, लेकिन यूतो की अनुपस्थिति के कारण उसका एक हिस्सा अभी भी खाली महसूस करता है। यूतो को मेल के माध्यम से शादी का निमंत्रण मिलता है, लेकिन वह उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है। इसी सप्ताह शादी होने वाली है और आओई को बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन उसके सबसे अच्छे दोस्त के बारे में सोचकर उसका दिमाग कभी नहीं हटता है, क्योंकि वह यूतो को बहुत ज़्यादा याद करती है। इसके अलावा उसकी और सोकुके की पहली लड़ाई तब होती है जब वह उसे अपने माता पिता से बात करने और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने से मना कर देता है, और आओई को पता चलता है कि वह अपने पिता को पसंद नहीं करता है, लेकिन वह उनके माता पिता के साथ भी खुद संबंध बनाना चाहती है। जब वह उनके माता पिता के बारे में बात होती है तो सोकुके कोई भी बात सुनने से इनकार कर देता है। महंगी महंगी डिनर की डेट्स जल्द ही बोरिंग शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन नहीं हैं। एक दिन आओई सोकुके के पिता के अस्पताल जाती है और उनसे शादी के बारे में बात करती है। बातचीत अच्छी तरह से चल रही होती है, क्योंकि उनके पिता ने आखिरकार लोगों के भावनाओं की सीमाओं का सम्मान करना शुरू कर दिया होता है। परिसर से बाहर निकलते समय आओई सोकुके को अपने पिता के कार्यालय की ओर चलते हुए देखती है और उनका पीछा करती है। वह उसे अपने पिता से एक जरूरतमंद दोस्त के सिफारिश पत्र लिखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। यह जल्द ही पता चल जाता है कि वह जरूरतमंद दोस्त यूतो है, जिसे दूसरे स्तर का ब्रेन ट्यूमर है। उसका इलाज टोक्यो के एक महंगे अस्पताल में ही हो सकता है, लेकिन सिफारिश पत्र के बाद उन्हें आखिरकार अपनी जान बचाने का मौका मिल ही जाएगा। इस दृश्य में सोकुके ने यूतो को कागजात सौंपे और उसे उम्मीद नहीं खोने के लिए कहा, क्योंकि उसे बचने की संभावना अभी भी जीवित होती है। इस बीच आओई एक पार्क में अकेली बैठी है, फिर भी वह नहीं समझ पा रही है कि उसने अस्पताल में क्या घटना सुनी थी। चूंकि यूतो नहीं चाहता कि उसे बीमारी के बारे में पता चले, इसलिए वह अनजान होने का नाटक करने का फैसला करती है। इससे उसे यह भी अस्थात होता है कि वह यूतो से कहीं ज़्यादा प्यार करती है जितना वह सोचती है। फिर आखिर में आता है शादी का दिन। मेहमान उस जगह पहुंचते हैं जहां सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं, लेकिन दुल्हा दुल्हन लेट हो जाते हैं। बाहर सोकुके आओई से मिलता है और उसकी सुंदरता की तारीफ करता है। वह उससे पूछता है कि उसे क्या दुखी कर रहा है, भले ही उसे इस बात का बहुत अच्छा अंदाजा हो कि यह क्या है। वह जवाब नहीं देता है तो वह पूछता है कि क्या वह यूतो से प्यार करती है। आओई इसे इनकार करने के लिए जल्दी में है, लेकिन फिर वह अपने बालों को छूती है। अब तक सोकुके यह जान चुका होता है कि इसका क्या अर्थ है। वह आओई से कहता है कि उसकी खुशी ही मायने रखती है, और अगर उसे लगता है कि वह एक प्रेमहीन शादी में फंसने वाली है तो उसे अभी भाग जाना चाहिए। वह उसे जल्दी करने के लिए प्रोत्साहित करने से पहले मेहमानों और माता पिता को संभालने का भी वादा करता है। आंसुओं से भरी हुई आओई उसे धन्यवाद देती है
और हवाई अड्डे की तरफ जाने लगती है, जहां यूतो मस्तिष्क की सर्जरी के लिए टोक्यो के लिए उड़ान भरने वाला है। वे टर्मिनल पर मिलते हैं और आओई अपने प्यार का इजहार करती है, जैसा कि यूतो ने अपने 16वें जन्मदिन की रात को किया था। पहले तो यूतो उस चर्च में लौटने के लिए कहता है, लेकिन जब अंत में उसे पता चलता है कि यूतो उसके लिए आओई वापस आई है, तो वो एक किस करते हैं और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।